नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका बच्चा गर्भ में यानी कि पेट में कितने दिनों के बाद हलचल करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु गर्भ में धीरे धीरे विकसित होता है। ऐसे में जब तक शिशु गर्भ में होता है तो महिला के उसके साथ नए नए अनुभव लेती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब शिशु आपको बताता है कि वो बड़ा हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह बोलता है, बल्कि वो गर्भ में हलचल करने लगता है, जैसे कि वो लात मारता है, घूमता है, जिसका अनुभव केवल महिला कर पाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ बच्चे के लिए सबसे अनमोल उपहार होती है, क्योंकि वो हर किसी से 9 महीने ज़्यादा अपने शिशु के साथ व्यतीत करती है और प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली सभी जटिलताओं को हंसते हुए सहन करती है। पहली बार अगर कोई महिला माँ बन रही है तो उसे इस हलचल को समझने में समय लग सकता है, लेकिन जो महिलाएं दूसरी या तीसरी बार माँ बनने का अनुभव लेती हैं, उन्हें इसकी भली भांति पहचान हो जाती है। दोस्तों, शिशु गर्भ में 4थे या 5वें महीने से हलचल शुरू कर देता है। इसके साथ 5वें से 6ठे महीने में शिशु के अंगों का विकास भी अच्छे से हो जाता है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, उसके गर्भ में होने का अनुभव लेती हैं। माँ बनना किसी भी महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खास और अलग अनुभव होता है। तो दोस्तों, आइए अच्छे से जानते हैं कि गर्भ में शिशु कब हलचल करने लग जाता है और क्या क्या हलचल करता है। दोस्तों, वैसे तो गर्भ में शिशु 16वें सप्ताह से ही हिलना डुलना शुरू कर देता है, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसका पता ना चले, खासकर जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं। इसके अलावा 20वें हफ्ते में आप इसका अच्छे से अनुभव करते हैं। ज़्यादा हलचल का अनुभव शाम के समय होता है, और उसके बाद जैसे जैसे प्रसव का समय आता है, आप और अच्छे तरीके से शिशु द्वारा गर्भ में की जाने वाली हरकतों का अनुभव कर सकते हैं। आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब फील होता है यानी कि अनुभव होता है कि आपका बच्चा जो है पेट में मूवमेंट कर रहा है, लेकिन दोस्तों अगर पूरे दिन में भी आपके शिशु ने एक बार भी मूवमेंट नहीं किया, आपको एक बार भी फील नहीं हुआ, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपको 24वें हफ्ते में भी अपने बेबी का मूवमेंट फील नहीं होता तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो 23वें हफ्ते तक शिशु बहुत ही अच्छे से जो है पेट में मूवमेंट करने लग जाता है, लेकिन अगर आपके 23वें हफ्ते तक भी नहीं कर रहा है तो आपको 24वें हफ्ते में घर पे नहीं रुकना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना चेकअप करवाना चाहिए। अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। बात करते हैं कि बेबी गर्भ में कौन कौन सी हरकत करता है। शिशु गर्भ में शुरुआत में मुड़ना, हिचकी लेना, उबासी लेना आदि शुरू करता है। उसके बाद वो अपनी आँखों को भी गर्भ में घुमा सकता है। बच्चा गर्भ में आपकी बातों को भी सुनता है, अपने जबड़े को खोल सकता है, अपने सिर को घुमा सकता है। और दोस्तों, जब आपका बेबी धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो आप उसके हाथों और पैरों द्वारा लात खाने का अनुभव भी करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपके प्रसव का समय नज़दीक आता है, आप अपने शिशु द्वारा मूवमेंट को ज़्यादा फील कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आपका आखिरी महीना चलता है तो आपके पेट में ज़्यादा जगह नहीं बच पाता, तो बच्चा ज़्यादा जो है घूम नहीं पाता, तो आपको कम फील होता है, लेकिन वो लात वगैरह मारता है तो आपको वो अच्छे से फील होता है। तो दोस्तों, यह कुछ बातें जिनके आधार पर आपको पता चलता है कि शिशु गर्भ में कब हरकत करने लगता है। इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भी गर्भ में हो रहे शिशु के विकास को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको 5वें महीने के बाद भी कुछ महसूस ना हो तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और चेकअप करवाना चाहिए, ताकि कोई समस्या हो तो उसका आपको पता चल सके। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में अपने अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको और गर्भ में पल रहे बेबी को स्वस्थ रहने और बेबी का अच्छे से विकास होने में मदद मिल सके।